आज बुलंदशहर में पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, बोले युवाओं के साथ बीजेपी करेगी 2022 में 350 पार। कहा हर बूथ युवा करेगा मजबूत, भाजपा में बढ़ रही युवाओं की आस्था। विधानसभा चुनाव में विकास और राष्ट्रवाद होगा मुद्दा, बढ़ती महंगाई पर बोले द्विवेदी। कोरोना के कारण बढ़ी महंगाई धीरे धीरे हो जाएगी कम। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया न्यूज, बुलंदशहर। इसका जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो भाजपा का जो मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा या राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा? विकास और राष्ट्रवाद दोनों भाजपा का मुद्दा होंगे, और जिस प्रकार से नौजवान निकल रहे हैं उत्साहित हैं भाजपा के प्रति, निश्चित तौर पर 350 से अधिक सीटें हम लोग जीत के जाएंगे। वार्ड स्तर पर जो पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर पर बीजेपी की कम जीत पाई, लेकिन जो प्रमुखी का चुनाव है जो जिला पंचायत अध्यक्ष का है उसमें आपने बंपर जीत ली, तो इसे आप किसका करिश्मा मानते हैं? नहीं, लोकप्रियता है, मोदी योगी जी लोकप्रियता है, इसी कारण इतनी सीटें निकली। अध्यक्ष जी, आज बुलंदशहर आना हुआ है, क्या वजह है और क्या संदेश यहाँ पर युवाओं को आपके द्वारा दिया गया है? देखिए, पार्टी का नया गठन है, इसी क्रम में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, हर बूथ तक नौजवान जुटे और योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ा बहुमत हम प्राप्त करें, इसी एजेंडे के साथ हर जनपद में जाना हो रहा है, यहाँ भी आना हो रहा है। योजना क्या है? योजना ये है कि सब नौजवानों को पार्टी से जोड़ना, जिस प्रकार योगी जी ने ईमानदारी से हर योग्य व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया है, जहाँ पिछली सरकारें केवल एक आध जिला और एक आध बिरादरी को नौकरी देती थी, योगी जी ने हर योग्य व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया है, उनसे लोग उत्साहित और हम लोग उसी लिए काम कर रहे हैं। लगातार जो बढ़ रही महंगाई बढ़ रही है उसको अगर रोकने में नाकाम क्यों हो सकता? देखिए, कुछ कोरोना भी एक कारण है, और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे महंगाई नियंत्रण में आएगी और फिर से पुरानी स्थिति। चुनाव से ठीक पहले एन वक्त पर जो ये जनसंख्या नीति कानून लाया गया, तो इसको लेकर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसको भुनाने का भाजपा काम कर रही है। नहीं, भुनाने काम नहीं कर रही है, जितनी आबादी देश की हो गई है और ये गंभीर मुद्दा है, जितना आबादी का बोझ है उस नाते एक न एक समय निर्णय लेना ही था, और ये अच्छा निर्णय है। विपक्ष तो बहुत हल्की बात कर रही है, बहुत हल्के बयान आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन